मऊ जनपद के सलाहाबाद मार्ग की स्थिति बदतर हो गई है। सड़क मार्ग पूरी तरह जलमग्न होने से राहगीर परेशान है। जहां उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार गड्ढा मुक्त सड़क करने की बात कह रही है, वहीं मऊ जनपद में सरसेना सलाहाबाद जो जिला मुख्यालय को सड़क जोड़ती है, वो सड़क तालाब के रूप में नजर आ रही है। जबकि जिलाधिकारी द्वारा विगत 2 माह पूर्व सड़क न बनने को लेकर ठेकेदार पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन ठेकेदार ने इसके बाद भी कार्य नहीं किया। सड़क पूरी तरह जलमग्न है, जबकि सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय, मरीज जिला चिकित्सालय को जाते हैं, तालाब में तब्दील सड़क में गिरकर राहगीर चोटिल हो जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क लगभग 7 वर्षों से खराब है, सबसे अधिक समस्या मरीजों को होती है। हम इस समय सरसेना काजा सलाहाबाद रोड जो है जिला मुख्यालय को जोड़ती है, इसको हम दिखाएंगे आपको कि यह पहली बारिश में इस रोड की हालत जो है, रोड नहीं है यह तालाब में तब्दील हो गया है। जबकि जिलाधिकारी ने विगत 2 माह पूर्व जो है ठेकेदार पर FIR का भी आदेश किया था, लेकिन एक ठेकेदार पर कोई इसका असर नहीं है। और इसको सड़क न कहिए, इसको कहिए जो है तालाब है, और आने जाने लोग इसमें गिर जा रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं। और आइए इसी एक यहाँ के ग्रामीण से हम बात करेंगे कि यह रोड कब से खराब है और इस चलने में क्या स्थिति हो रही है। सबसे पहले तो आपका के दिन स्वागत है, क्या नाम आपका है? हनुमंत कुमार सिंह। यह रोड कब से खराब है? करीब 7 वर्ष से इस रोड की स्थिति इसी तरह से है। हाँ। और प्रतिदिन दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। हाँ। रास्ते से ये बताइए, यह सड़क है कि तालाब? सड़क जो तालाब में बदल गया है, अब तो ये तालाब ही इससे कर लीजिए। हाँ। आने जाने में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कि इस रोड से कोई आना जाना चाहता नहीं है, और दोनों तरफ पटरी मिट्टी डालने से इसमें दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ गई है। यह रोड कहाँ जाती है? मुख्यालय सलाहाबाद से होते हुए सीधे जिला को जोड़ती है। जिला जोड़ती है। लगभग इसमें प्रतिदिन जो है लगभग कितने लोग आते जाते होंगे? अरे यहाँ ज़्यादातर हज़ारों की संख्या इससे गाड़ी आने जाने बाइक वालों का है। हाँ। और परिवहन जो भी है रूटी करीब 100 सैकड़ों गाँव को जोड़ती हुई जाती है। हाँ। तो काफ़ी आना जाना इस रूट से रहता है। उसके बावजूद प्रशासन या फिर अपने ऊपर तक बात किया गया, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकल रहा है। अभी हम एक ग्रामीण से बात किए, इनका कहना है कि लगभग 7 वर्षों से खराब है, तो आप देख सकते हैं कि आने जाने में कितनी समस्या हो रही है। यह सड़क जो है, अब इसको तालाब कहा जाए, लेकिन यहाँ जो है MLC हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और 7 साल से रोड खराब है। इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन ठेकेदार पर DM ने अभी 2 माह पूर्व कहा था कि ये अगर जल्दी नहीं बनती हो तो FIR दर्ज किया जाए, लेकिन ठेकेदार पर कोई असर नहीं है। और हम ये दिखाना चाहते हैं, यह जो है चैनल के माध्यम से हम लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को भी दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं कि आप इस रोड को देखिए कि हालत क्या है। कैमरामैन से आएंगे, इस रोड को दिखाएं कि यह रोड है या तालाब है। यह पूरा जो है तालाब में तब्दील हो गया है, और यहाँ लोग गिर करके चोटिल हो जा रहे हैं, लोग परिवार लेके जा रहे हैं, जिला मुख्यालय पर जाते हैं लोग, यही नहीं जिला अस्पताल को भी यहाँ से जाते हैं। अब समझ लीजिए कि मरीज का हालत क्या होगा, जो मरीज इमरजेंसी होगा, इस रोड पे कैसे लेके गाड़ी जाएंगे लोग, यही आपको दिखाना चाहते हैं। कैमरा दिखाए कि तालाब, इस तालाब को दिखाइए, रोड ना तालाब को दिखाइए, दिखाइए, हम आपको तालाब दिखा रहे हैं, रोड नहीं, आप तालाब दिखा रहे हैं। राजेश दुबे, मऊ KTV।